एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ दो सेरम्स के बीच में डिफरेंशिएट। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पर्सनली मुझे कौन सा सेरम ज्यादा पसंद है। तो दोनों ही सेरम जो है वो डर्म डॉग ब्रांड से है। मेरा जो पहला सेरम है वो है हाइलुरोनिक एसिड प्लस सेलिसिलिक एसिड ऑयल बेस्ड एंटी एजिंग सेरम। तो इसका रिव्यू मैंने पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर दिया है। मैंने एक न्यू सेरम परचेज किया है जो कि एक न्यू लॉन्च था, वो है एंटी एजिंग फेस सेरम विथ रेटिनॉल। तो दोनों का मैं बेसिक डिफरेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने दोनों को ही काफी टाइम से यूज किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाला लिप शेड शेयर कर दूं। तो आज मैंने अप्लाई किया है NYWay रनवे का शेड नंबर 7। ये एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, इसका भी फुल डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स के रिव्यूज शेयर किए हैं। डर्म डॉग के रेंज में टोटल 23 वेरिएंट्स है सेरम के लिए, तो बहुत ही ह्यूज वेरिएंट्स है। इनिशियली इन्होंने इतने सारे सेरम्स लॉन्च नहीं किए थे, ये सारे बहुत सारे इसमें से जो सेरम्स है वो न्यू लॉन्च हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, दोनों में ही मुझे 10 ml की क्वांटिटी मिलती है। प्राइस है 199 rupees। और मुझे पता नहीं कि सारे सेरम्स की प्राइजेस सेम हैं या फिर कुछ सेरम्स के प्राइजेस इससे ज्यादा हैं। आपको 2 years की शेल्फ लाइफ मिलती है। पैकेजिंग वगैरह सब कुछ जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है मैंने वीडियोज में ऑलरेडी शेयर कर दिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि दी सेरम को यूज कब करना है, कैसे करना है। तो आप जो है सेरम को डे एंड नाइट दोनों टाइम में यूज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे सेरम्स हैं जिन्हें आपको सिर्फ नाइट टाइम में यूज करना चाहिए, डे टाइम में उसे अप्लाई करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। और साथ ही साथ आप जो है सेरम को बिफोर मेकअप भी यूज कर सकते हैं, अपने स्किन केयर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट आपको 2-3 drops अपने फेस पे अप्लाई करना है, उसके बाद आप किसी भी तरह के यूनो जेल या मॉइस्चराइजर भी अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस की बात करें तो जिस सेरम में आपको हाइलुरोनिक एसिड प्लस सेलिसिलिक एसिड मिलेगा उसमें थोड़ी सी मेडिसिनल स्मेल है, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। देखिए ये थोड़ा येलो टोन में आता है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि थोड़ी सी रनी है, और इसे आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपके ये यू नो स्किन पे ब्लेंड हो जाता है। और जैसा कि मैंने बोला कि मेडिसिनल स्मेल है, तो बहुत लोगों को यू नो इसकी स्मेल पसंद नहीं आएगी, बट इसे अप्लाई करते ही हमारा जो फेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, सॉफ्ट सपल हो जाता है। तो इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी एंड फ्रेग्रेंस है। अगर बात करें रेटिनॉल वाले की तो इसकी जो स्मेल है ना वो फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ी सी यू नो परफ्यूम्ड है, और जब मैं इसे अपने यू नो हैंड पे अप्लाई करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी थिक है एज कम्पेयर टू दिस वन। और इसे अप्लाई करने में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, आपको बहुत फास्ट वर्क करना पड़ेगा अगर आप इसे फेस पे अप्लाई करते हैं तो। तुरंत ही इसे ब्लेंड कीजिए, और यू नो ये बहुत अच्छे तरह से स्प्रेड नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस वन, ये ज़्यादा स्प्रेड होता है स्किन पे, और ये जो है ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है और यू नो अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं होता, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी का आप देख सकते हैं। दोनों ही फेस सेरम को ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज कर सकते हैं, बट कोई भी फेस सेरम या कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने के पहले आप इसे पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो हाइलुरोनिक प्लस सेलिसिलिक एसिड वाला जो सेरम है ये क्या क्लेम करता है। उन्होंने लिखा है बेनिफिट्स में अल्ट्रा सॉफ्टनिंग, तो ऑब्वियसली ये मेरे फेस को बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है रिड्यूसेस साइंस ऑफ एजिंग, तो मेरे बहुत ज्यादा फाइन लाइंस नहीं है इस वजह से मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ आप लोगों को बता नहीं पाऊंगी। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि ये जो है हमारे फेस के इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, स्किन को ब्राइट बनाता है, तो डेफिनेटली स्किन को ब्राइट बनाता है। नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको आपका फेस जो है ना वो काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड सपल लगेगा। अगर बात करें रेटिनॉल वाले की तो इनका जो क्लेम है, इन्होंने एज सच कोई क्लेम नहीं लिखा है, बट अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे नाइट क्रीम्स में जो है रेटिनॉल यूज होता है। रेटिनॉल जो है बहुत ही अच्छा होता है आपके फेस के लिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए। मैंने दोनों को ही सेपरेटली काफी समय तक यूज किया है, और पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि जो हाइलुरोनिक प्लस सेलिसिलिक एसिड वाला जो सेरम है ना वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है और ज्यादा इफेक्टिव है स्किन पे एज कम्पेयर टू रेटिनॉल वंस।
तो मैं जरूरी नहीं कि जो मेरा जो ओपिनियन है वही ओपिनियन आपका हो, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। बट अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे कि डर्म डॉग के रेंज में से कौन से सेरम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने ऑल 23 वेरियंट्स तो ट्राई नहीं किया है, बट इन दोनों में डेफिनेटली मैं हाइलुरोनिक प्लस सेलिसिलिक एसिड वाले सेरम को रिकमेंड करूंगी एज कम्पेयर टू रेटिनॉल। मैंने दोनों सेरम्स के फुल डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहां पे जाकर के आप दोनों के सेपरेट वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। छोटा सा कंपैरिजन वीडियो है, कोशिश की है मैंने सारे पॉइंट्स को कवर अप करने की, अपनी एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यस, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।